हेलो स्टूडेंट और क्लास सिक्स, टुडे वी स्टार्ट लेसन नंबर टू। द नेम ऑफ द लेसन नंबर टू इज टेबल्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में हम लोग टेबल कैसे बनाएंगे, आज हम उसका स्टेप्स सीखेंगे और उसको जानेंगे। कि जैसा कि आप लोग जानते हो कि कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग बहुत सारे वर्क कर सकते हैं, जैसे कि लेटर टाइप कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, टाइम टेबल बना सकते हैं किसी, ठीक है ना, और बहुत सारे प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन का वर्क कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू। हम बहुत सारे चीज़ों को हम कर सकते हैं, उसमें एक काम है टेबल बनाना। जैसे कि आपके स्कूल में टाइम टेबल दिया जाता है, उस टाइम टेबल को कंप्यूटर सिस्टम में कैसे बनाया जाता है, टेबल्स कैसे बनाए जाते हैं, वो इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। टेबल्स को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम इंसर्ट टैब में जाएंगे। सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आई थिंक कि आप क्लासिक्स में आ गए और सभी लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना आता ही होगा। जैसे कि स्टार्ट बटन पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, टेबल्स ग्रुप में और टेबल बटन पे जाएंगे। तो उससे ये होता है कि आपके सामने बहुत सारे ग्रिड्स स्क्वायर फॉर्म में प्रेजेंट हो जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं। और जैसे जैसे आप उस ग्रिड को सिलेक्ट करते हैं, आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज पे टेबल्स बनता चला जाता है। फिर एक ऑप्शन है इंसर्ट टेबल ऑप्शन के थ्रू। इसमें क्या होगा, इंसर्ट टैब में जाएंगे, टेबल्स ग्रुप ही रहेगा, उसमें आप इंसर्ट टेबल ऑप्शन में जाएंगे। ये सबसे अच्छा, मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा ऑप्शन ये है, ये इसलिए है क्योंकि इसमें आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उस पर लिखा रहेगा नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोस, यानी टेबल के अंदर आपको जितने कॉलम्स चाहिए उतना डिजिट आप भर देंगे, और फिर नंबर ऑफ रोस जितने रोज चाहिए उतना आप उसमें नंबर फिट कर देंगे। तो आपका जो है टेबल्स उस कॉलम में और उस रो फॉर्म में बन जाएगा। अब बात आई कि कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है। कॉलम क्या होता है, जब टाइम टेबल आप देखते होंगे जो ऊपर की हेडिंग होती है, ठीक है ना, ऊपर की जो हेडिंग होती है, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लाइन, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो वर्टिकल फॉर्म में जो लाइनें होती हैं ऊपर से नीचे की तरफ, वही कॉलम कहलाती हैं, और जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है लाइनें उसको हम रो बोलते हैं। तो इसी को हम रो और कॉलम बोलते हैं। अब एक और मेथड है टेबल क्रिएट करने का, वो है ड्रॉ टेबल ऑप्शन। इसमें भी वही है, इंसर्ट टैब में जाएंगे, टेबल ग्रुप में जाएंगे, टेबल बटन में जाएंगे, ऑप्शन को चूज करना है ड्रॉ टेबल ऑप्शन। इसमें क्या होता है, आप माउस से ही टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, माउस से ही टेबल को बना सकते हैं, ठीक है ना, माउस से ही लाइनिंग जो है स्ट्रेट होंगी और उसके बाद जो है आप टेबल्स को बना सकते हैं। तो ये आज के लिए है, इस क्लास के लिए इतना मेरे ख्याल से अब हो गया है, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। और आप लोग जो है, अगर आपके घर में कंप्यूटर सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसमें जाके आप टेबल्स क्रिएट करिए और बनाइए, और मोबाइल है तो उसमें इंटरनेट पे सर्च करके देखिए कि एमएस वर्ड में टेबल कैसे बनाया जाता है, ठीक है। और उसमें आपको प्रैक्टिकली यूट्यूब में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे टेबल बनाया जाता है। सो टुडे इज क्लास फिनिश, नेक्स्ट डे इन नेक्स्ट वीडियो विल गो फर्दर, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और हम लोग और भी कुछ टेबल में सीखेंगे, टेबल में और क्या क्या होता है, रो कैसे घटाया जाता है, कॉलम कैसे बढ़ाया जाता है, ठीक है, टेबल का साइज बड़ा छोटा कैसे किया जाता है, हम यही आगे वाली क्लासों में पढ़ेंगे। स्टे विथ अस, और इसके नोट्स, इसके फोटोज़ मैं आपको व्हाट्सअप कर दिया करूँगा, और अपने जो भी क्लास के जो फ्रेंड्स हैं, क्लासेस के और भी लोग हैं, उनसे ये कहिए कि सब लोग ऑनलाइन क्लास लें, ठीक है। जब वो, और जो स्कूल की वेबसाइट है वो है, जैसे कि आपको सबको पता ही होगा फिर भी मैं एक बार ऑफिस से रिपीट कर देता हूँ, www.donbosco.in।
gkp.in, ये आपकी स्कूल की वेबसाइट है www.bosco.gkp.in। इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आप लाइव, उसके बाद जब जाएंगे तो लाइव क्लास पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अपनी क्लास को चूज करेंगे, क्लास सिक्स। वहाँ बहुत सारे वीडियोस टीचर्स के द्वारा अपलोड किए गए हैं, उसको पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, सभी वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है, स्टार्टिंग से आप पढ़ेंगे जो नए स्टूडेंट हैं। और अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आपके आपके नेबर्स हैं, जो आपके अड़ोसी, आपके दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, उन सबसे भी कहिए कि ऑनलाइन क्लास लें, बुक्स खरीदें सभी लोग और स्कूल की पढ़ाई के साथ जुड़ जाएं। और यही मेरी है, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट एवर आई एम सेइंग एंड स्टे विद अस। और वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और सभी अपने फ्रेंडों से अटैच में रहिए, सभी लोग जुड़े रहिए, सब लोग आपस में अगर कोई प्रॉब्लम है, जो मेरे से कोई प्रॉब्लम है, जो सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू आप पूछ सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। और डेली आप लोग अटेंडेंस व्हाट्सएप के थ्रू लगाइए। थैंक यू वेरी मच।